नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिस इंडिया मिस्टर इंडिया 2021-22 और राज्यपाल रमेश वैस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिव्यांग जनों के लिए मिस इंडिया मिस एंड मिस्टर इंडिया तो राज्यपाल रमेश वैस संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। राज्यपाल रमेश वैस कार्यक्रम में मौजूद हैं और कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। फिर हम सुधा चंद्रन को कैसे भूल सकते हैं, कृत्रिम पैर से जो नृत्य करती है। रविंद्र जैन संगीतकार और गायक, बैडमिंटन चैंपियन गिरीश शर्मा, प्रीति श्रीनिवासन, सुरेश आडवाणी, एच रामाकृष्णन, ऐसे कितनी ही हस्तियां हैं। फिर झारखंड की ही हमारी बिटिया टुम्पा भी अपने गायन से बड़े बड़े गायकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है तथा पूरे राष्ट्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने दिव्यांगता को कहीं भी अपने प्रदर्शन में बाधक नहीं बनने दिया। वास्तव में जिस मानव को भगवान किसी अंग से वंचित कर धरती पर भेजते हैं, वे मानव दिव्य ही होते हैं, जो अपनी विलक्षणता प्रतिभा से कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उन्हें दिव्यांग कहना उत्तम विचार है। असल विकलांग तो वह है जो शारीरिक रूप से संपूर्ण होते हुए भी कर्म के बिना अपंग, ज्ञान के बिना दृष्टिहीन, प्रेम के बिना हृदयहीन और बुद्धि के बिना निष्क्रिय होता है। आज विद्या वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांगों की सार्थक नाम से मिस इंडिया मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागियों को अंतिम दौर मुंबई में किया जाएगा, जिसमें मिस्टर इंडिया एंड मिस इंडिया का चुनाव आयोजित किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि सभी प्रतिभागियों के परिधान व पोशाक से संबंधित राज्य की झलक दिखाई देगी। संस्था द्वारा दिव्यांग के जीवन में एक नया आयाम लाने का हम का इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके मन और शरीर में ऊर्जा का संचार करने की पहल की है। मैं दिल से सराहना करता हूं इस प्रकार के कार्यक्रम अंदर निहित प्रतिभा को और प्रखर करने के साथ उनके मनोबल को भी बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सिर्फ सहयोग, सम्मान और उनके अधिकार देने की जरूरत है, क्योंकि वे भी हमारे समाज और हम लोगों का ही एक हिस्सा है। मैंने लोकसभा की सामाजिक न्याय और अधिकारिता संसदीय समिति के चेयरमैन होने के नाते डिसेबिलिटी बिल विधेयक के अध्ययन के दौरान कई शहरों का भ्रमण किया और देश भर के दिव्यांगों से मिला, उनकी बातें सुनी, उनकी प्रतिभाएं देखी और उसे इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा उसमें अपार प्रतिभा है और आम लोगों से उनमें ज्यादा क्षमता व दृढ़ निश्चय है। दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और उनके विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये योजनाएं उन तक पहुंचे और उन्हें इसका पूरा लाभ मिले। मैं चाहूंगा कि दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हम सब प्रतिबद्धता से एकजुट होकर कार्य करें। एक बार पुनः आप सभी को बधाई व शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।
राज्यपाल रमेश बैस ने संबोधित करते हुए दिव्यांग जनों के को बधाई दी है और साथ ही दिव्यांग जनों के लिए मिस एंड मिस्टर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नए आयाम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।